ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة من كان يرجو الله وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين افضل درود پاک نماز والا درود پاک اخلاص و محبت کے ساتھ شوق ذوق کے ساتھ بلند آواز سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پہ نماز والا درود پاک پڑھنے اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما شاء الله ایک مرتبہ پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم راجپوتو ضد نہ کرو پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم میری برادری ضدی ہوتی ہے نا راجپوت زیادہ ضد کرتے ہیں ضد نہ کرو پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جائے سنا جائے لکھا جائے دیکھا جائے ہر مسلمان پہ حضور کے غلام پہ ضروری ہے پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم ورنہ گناہگار ہو
या इलाही रहम कुन बरमा हमारा, या इलाही रहम कुन बरमा हमारा, अफू कुन जुमला गुनाही मा हमारा, या इलाही रहम कुन बरमा हमारा, अफू कुन जुमला गुनाही मा हमारा। ई चुनी पैगंबरो सरदारे मा, रब्बना सल्लिम व सल्लिम दाइमा, हजार बार बशोयम रहन ब मुझको गुलावा, अनूद नामे तू गुफ्तन कमाल बेअदबी, मोहम्मद की गुलामी है, मोहम्मद की गुलामी है, सनद आजाद होने की, खुदा के दामन तौहीद में आबाद होने की, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। सितारों से ये कह दो कूच करें, खुर्शीद मुनव्वर आते हैं, तारों से ये कह दो कूच करें, खुर्शीद मुनव्वर आते हैं, कौमों के पैगंबर आ ही चुके, अब सब के पैगंबर आते हैं। हजरात मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ सामीन व हाज़रीन, दोस्तों बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ तलबा, क़ाबिल उस तकरीम व तहरीम हज़रात उलमाए किराम, आज की ये महफिल, ये मजलिस खुशियों भरी महफिल, मुसर्रतों भरी महफिल, शादी के मौके पे, निकाह के मौके पे, आप हज़रात के इस 46 तक में आप जरा दूर का नजदीक का सफर करके तशरीफ लाए, वक्त को कुर्बान करके अल्लाह के घर में, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए, नेक काम के लिए आए, नेक महफिल में अल्लाह ने बुलाया। भाई मोहम्मद आसिफ साहब के निकाह के मौके पे आप जरा सारे प्रोग्राम खुराफात और दुनिया में तमाशे और बदमाशियां और बेहयाइयां और बदनजरियां, नाच गाने ढोल ढपड़े को छोड़ के अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का इस पे शुक्र अदा करें कि परवरदिगार आलम ने दीनी इस्लाही प्रोग्राम मुनक़िद फरमाने की तौफीक नसीब फरमाई। आपके इलाके के उलमा की मेहनत है, कोशिश है, जद्दोजहद है, मेहनत उलमा करते हैं, खासतौर पर आपके मोहसिन, हमारे मोहसिन कारी मजहर साहब मदज़िलुल आली हजरत की मेहनत है, कोशिश है, उन्होंने मुझे भी मदऊ किया, मैं वादे के मुताबिक हाजिर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक उलमाए किराम आए, देखो नाथाने नाथा हजरात तशरीफ लाए, इमामुल अंबिया के सनाखा तशरीफ लाए, उलमाए किराम तशरीफ लाए, अल्लाह पाक हम सब की हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, अल्लाह इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, अल्लाह इस निकाह में बरकतें अता फरमाए, रहमतें अता फरमाए। परवरदिगार आलम भाई आसिफ साहब को, घर वालों को, बिरादरी को, खानदान को, दोस्तों को ऐसी हजार हा नेक खुशियां देखना नसीब फरमाए। इब्तदान अर्ज कर दूं कि निकाह करना एक इबादत है, निकाह करना एक इबादत है, जैसे नमाज इबादत, कुरान की तिलावत इबादत, हज करना इबादत, रोजा रखना इबादत, अजान देना इबादत, कुर्बानी करना इबादत, सदका करना इबादत, इसी तरीके से निकाह करना भी इमामुल अंबिया महबूब किबरिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सब कह दो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत तरीका है, निकाह करना भी इबादत है, अल्लाह का हुक्म है। तो निकाह के वक्त ढोल बजाना, डपड़े बजाना, नाच गाना करना,
कंजर कंजरिया न खाना, शराब नोशी करना, बदनजरी करना, बदमाशी बेहयाई करना, ये तमाम के तमाम इस्लाम के खिलाफ है। हम मुसलमान हैं, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है। पढ़ने को नहीं, शादी में भी पढ़ा जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमने पढ़ा है। अगर निकाह के मौके पे ये तमाम की तमाम खुराफात जो आज हमारे माहौल में की जाती हैं ये जायज है, तो फिर नमाज के वक्त भी होनी चाहिए। हज को जाए तो बंदा तब भी कंजर कंजरिया नचा के जाए, कुर्बानी में भी होनी चाहिए। तो मुसलमानों, इसी तरीके से जब नमाज में, रोजे में, हज में, जकात में, कुरान की तिलावत में, अजान में और किसी वक्त भी ढोल ढपड़े, बदमाशी, बेहयाई, खुराफात, शराब नोची, नाचना, तमाशे करना ये जायज नहीं, तो निकाह के मौके पे ये भी एक सुन्नत है, इबादत है, इमामुल अंबिया का तरीका है, तो इस वक्त भी इन तमाम के तमाम खुराफात की इजाजत हरगिज है ही कोई। और याद रखो, शादी तो वैसे भी सबकी होती है, इंशाल्लाह हो ही जाती है। अगर इसे इबादत समझ के करोगे तो अल्लाह पाक पूरी जिंदगी में, यानी निकाह के बाद जो जिंदगी है वो हलाल हो जाती है। निकाह के बाद जो जिंदगी है, अल्लाह पाक इस जिंदगी को हलाल फरमा देते हैं। बीवी को देखना हलाल, शौहर बीवी को देखे हलाल, मियां बीवी खाना खाएं हलाल, गुसल करें हलाल, यानी जो भी मियां बीवी, जब मियां और बीवी आपस में निगाह मिलाते हैं, मुस्कुराते हैं, तो अल्लाह की रहमत भी मुस्कुरा उठती है, अल्लाह की जन्नत भी मुस्कुरा उठती है। इसलिए निकाह के बाद जो नमाज पढ़ी जाती है, निकाह के बाद जो रोजा रखा जाता है, निकाह के बाद जो कुरान की तिलावत की जाती है, निकाह के बाद जो मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी की जाती है, मुसलमानों उसमें परवरदिगार आलम ने और ज्यादा लज्जत अता फरमाई। पाकीज़ा जिंदगी अगर निकाह के बाद शुरू हो जाती है, जब निकाह हो जाता है तो उसके बाद पाकीज़ा जिंदगी अल्लाह पाक शुरू फरमा देते हैं। मैंने गालिबन पहले भी अर्ज किया था कि ज़ौजैन, जोड़ा एक रात गुजारता है, गुसल करने तक अल्लाह पाक 3000 साल इबादत का सवाब अता फरमाते हैं। सारी रात नवाफिल पढ़ने से बेहतर है कि निकाह के बाद अपनी घर में बंदा जिंदगी गुजारे। 1000 नवाफिल पढ़ने से बेहतर है अपने घर में जिंदगी गुजारेगी। अब ये देखें कि लोग शादियों में कितनी रातें बाहर गुजारते हैं, कंजरियों के चक्कर में, कंजरों के चक्कर में कितना माल जाया कर देते हैं, हैं? कितने हमारा माल हराम की नजर हो जाता है, और फिर जब ये कंजर कंजरियां हमारा माल इस्तेमाल करके और बदमाशी बेहयाई करते हैं, तुम ये तुम्हारा फिर जहन्नुम में अकाउंट खुल जाता है। इसलिए अल्लाह पाक हम सबको महफूज फरमाए, अल्लाह पाक हम सबको इसी तरीके से दीनी इस्लाही प्रोग्राम करने की तौफीक नसीब फरमाए, और इमामुल अंबिया की सुन्नत रसूल के मुताबिक निकाह करने की, शादी ब्याह करने की तौफीक नसीब फरमाए। इसलिए मुसलमानों, इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जाते अक्दस हैं। दुनिया में जितने भी नबी आए, कोई एक इलाके का नबी, एक बस्ती का नबी, एक मुल्क का नबी, कोई कौमे मदियन का नबी, कोई कौमे समूद का नबी, कोई कौमे आद का नबी, कोई बनी इसराइल का नबी, लेकिन हमारे आका मौला जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान देखो, अजमत देखो, बुलंदी मकाम देखो, इरशाद खुदाबंदी हुआ, महबूब अलैहि सलातु वसलाम खुद ही ऐलान फरमा दीजिए, इन्नी رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض
अकाली कमली वाले सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम परवरदिगार आलम ने आप अलैहि सलातो वसलाम की जात अक्दस को जमीन वालों का भी नबी बनाया, आसमान वालों का भी नबी, चांद का भी नबी, सूरज का भी नबी, सितारों का भी नबी, शजर का भी नबी, अजर का भी नबी, जमादात का भी नबी, नबातात का भी नबी, बर्री मखलूकात का नबी, बाहरी मखलूकात का नबी, कोने कोने का नबी, जर्रे जर्रे का नबी, 18,000 मखलूकात का नबी, और रब्बे कायनात की कसम है नबियों का नबी, इमामुल अंबिया महबूबे किब्रिया नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात अक्दस है। रहमतुल्लिल आलमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में अबू जहल लईन आया खड़ा है, आके कहता है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बड़ी बड़ी बातें बयान करते हो, असाबिक आपका वाकया बयान कर दिया, पिछले अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाकयात व किसस बयान कर दिए, ये मेरी मुट्ठी है, बतलाओ इसमें क्या है, ये आपकी खत्मे नबूवत का इम्तिहान है। इमामुल अंबिया की जात अक्दस ने इरशाद फरमा दिया, जालिम इमामुल अंबिया की खत्मे इम्तिहान की बात करता है, आज अगर तूने इम्तिहान की बात की है फिर मैं लब कुशाई नहीं फरमाऊंगा, मैं बोलूंगा नहीं, मैं कहूंगा नहीं, फिर इम्तिहान क्या होगा। वो अबू जहल जो शायद तू अल्लाह की मखलूक अपने हाथ में लेके आया, पत्थर लेके आया, कंकर लेके आया, ये अल्लाह की मखलूक है, रब्बे कायनात की कसम है परवरदिगार आलम ने मुझे इन पत्थरों का भी नबी बना के भेजा है। सुल्तानुल अंबिया इमामुल अंबिया महबूबे किब्रिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात अक्दस है, अबू जहल का हाथ है। उलमा ने लिखा है रहमतुल्लिल आलमीन शाफी माशर साकी कौसर मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात अक्दस ने अबू जहल की मुट्ठी की तरफ इशारा फरमा दिया, ओ पत्थरो ओ कंकरो तुम अल्लाह की मखलूक हो, मैं तुम्हारा नबी हूँ, खुद बोल के मेरी खत्मे नबूवत की गवाह दो। उलमा ने लिखा है अबू जहल का हाथ है, पत्थरों में से आवाज आ रही है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इमामुल अंबिया अरसियों के नबी, फरसियों के नबी, चांद के नबी, सूरज के नबी, गाय के नबी, हिरन के नबी, ऊंट के नबी, हिरन इमामुल अंबिया के दरबार में आई खड़ी है, एक यहूदी ने हिरन को शिकार कर लिया, रहमतुल्लिल आलमीन जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ फरमाए, हिरन कहती है मेरे आका ओ काली कमली वाले तू मेरा नबी है, आप मेरे नबी हो, आप नबियों के सरदार हो, सारी मखलूकात के नबियों मेरी शफात कर दो, मेरी सफारिश कर दो, इस शिकारी से कह दो मुझे आजाद कर दे, मैं अपने बच्चों को दूध पिला के वापस आ जाऊंगी। रहमतुल्लिल आलमीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात अक्दस के सामने हिरन बोल रही है, अर्ज करती है मेरे आका आम मेरे नबियों मेरी सफारिश करो, मेरी शफात करो। हुजूर अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक्दस ने शिकारी से उस यहूदी से हिरन की सफारिश कर दी, कहने लगा बदले में आपको ठहरना पड़ेगा, यहाँ रुकना पड़ेगा, हिरन आएगी मैं आपको जाने की इजाजत दूंगा। हिरन चली गई, अपने बच्चे को दूध पिला के वापस आ रही है, जब यहूदी ने देखा, गैर मुस्लिम ने देखा, हिरन इमामुल अंबिया से गुफ्तगू कर रही है, ये अल्लाह का सच्चा नबी है, शान वाला नबी है, आजमतों वाला नबी है, मकान वाला नबी है, और अपना वादा हिरन ने भी पूरा किया है। यहूदी खड़ा होकर ऐलान करने लगा मेरे आका मुझसे गलती हो गई थी, मैं आपको पहचान नहीं सका, मैं ऐलान करता हूँ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इमामुल अंबिया अरसियों के नबी, फरसियों के नबी, चांद के नबी, सूरज के नबी, सितारों के नबी, शजर के नबी, हजर के नबी, जमादात के नबी, नबातात के नबी, दरियाई मखलूकात के नबी, समंदर की मखलूकात के नबी, पहाड़ों के नबी, जंगल में रहने वालों के नबी, और रब्बे कायनात की कसम है फूलों के नबी, फूल की खुशबू के नबी, और मालिक कायनात की कसम है नबियों के नबी, इमामुल अंबिया महबूबे किब्रिया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात अक्दस है।
हुजूर अली सलातो सलाम की जात अकदस ने 11 निकाह फरमाए। आप अली सलातो सलाम ने निकाह फरमा के दिखाया। कोई तमाशा नहीं, कोई हाल बुक नहीं, कोई मेहंदी हाल बुक नहीं, कोई ब्यूटी पार्लर बुक नहीं, ना कोई मेहंदी वाली रसम, ना कोई लहंगे वाली रसम, ना कोई कोई भी खुराफात है ही कोई। सुल्तानुल अंबिया इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस की चार शहजादियां हैं। इमामुल अंबिया की जात अक़दस ने अपनी शहजादियों के निकाह फरमाए, कभी भी ढोल नहीं, ढपड़ा नहीं, कोई तमाशा नहीं। खातून जन्नत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का निकाह का वक़्त आ गया। मेरे आका ने हजरत अली शेरे खुदा रज़ी अल्लाह तआला नु को बुलाया, अली शेरे खुदा आज आपका निकाह खातून जन्नत से इमामुल अंबिया की शहजादी से, आज हक महर के लिए कोई रकम ले आ। हमारे यहाँ जो असल काम होता है उस पर तवज्जो नहीं दी जाती, हक महर तो अदा ही नहीं किया जाता। 14 बच्चे, 15 बच्चे, 20 बच्चे पैदा हो गए, केस चला तो जज पूछता है बीवी से, बेगम साहबा से, कि तुझे हक महर मिला? कहती है जी नहीं, पता ही कोई नहीं हक महर का, बच्चे सारे वैसे पैदा कर लिए। फिर ये बच्चे कुरान के कारी कैसे बनेंगे, नमाजी कैसे बनेंगे, फिर हमारी जिंदगी में बरकत कैसे आएगी, रहमत कैसे आएगी? हमने कहा पढ़ाते हैं 5-10 हजार से लोग ज्यादा हक महर ही नहीं रखते, कंजरियों को 2 लाख, शराब वालों को कई लाख रुपए, बदमाशी बेहयाई में कई लाख रुपए जाया कर देते हैं, लेकिन हक महर की जब बारी आती है वहां हक महर बेगम को दिया नहीं जाता, बीवी को दिया नहीं जाता। खाने का आलम हमारे सामने, हमारे काली मदीन है मौलाना मंजूर मैंगल साहब, वो एक शादी में तशरीफ ले गए तो देखा लोग खड़े होकर खाना खा रहे थे, वो फरमाने लगे कि ये लोग खड़े होकर खाना खा रहे हैं। एक बंदा कहने लगा जी पढ़े लिखे लोग हैं, तो आप मजान फरमाने लगे कि ये एमए करने के बाद खड़े होके इनको ये तमीज आई है तालीम हासिल करने के बाद कि खाना खड़े होके खाना खाते हैं, तो ये काम तो गधा इनसे पहले करता है, है? वो गधा बेचारा पढ़ा लिखा नहीं, खोता पढ़ा लिखा नहीं, घोड़ा पढ़ा लिखा नहीं, बैल पढ़ा लिखा नहीं, भैंस पढ़ी लिखी नहीं, तो वो बिल्कुल जाहिल है, वो भी खड़े होके खाने खाए। और इंजीनियर साहब और एमएससी करने वाला और बड़े बड़े लोग खड़े होके खाना खाएं, तो ये तो फिर गधों से भी ज्यादा बदतर हुए। मुसलमानों, हम मुसलमान हैं, हुजूर के गुलाम हैं, पानी भी बैठ के पिया जाता है, खाना भी सुन्नत के मुताबिक इमामुल अंबिया महबूब किबरिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक खाया जाता है। फिर कहां से बरकतें आएंगी, कहां से रहमतें आएंगी? मेरे भाई खान साहब मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, एक निकाह हुआ तो उसमें इतने लोगों ने खुराफात, मेहंदी वाली रसम, फला रसम, फला रसम, फला रसम, रसम करते करते निकाह करना ही भूल गए, बच्ची रुखसत हो गई, ज़ौजैन की मुलाकात भी हो गई, तो मियां बीवी की जाहिर आपस में दो भांडे खड़कते तो है ना, बर्तन खड़कते हैं, तो एक दिन मियां बीवी की लड़ाई हुई, तो शौहर कहने लगा खबरदार बीवी से मेरे सामने बोलना नहीं, बात नहीं करना, मैं तुझे तलाक दे दूंगा। वो कहने लगी कौन सी तलाक, निकाह कोई नहीं हुआ था। उसने कहा अच्छा चुप कर, मैं भी कुछ नहीं कहता, तू भी कुछ ना कहे। हमारे होता तो ऐसे ही, निकाह की अहमियत पता ही नहीं होता, निकाह का, निकाह के मौके पे लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, क्या इमामुल अंबिया महबूब किबरिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक की यही अहमियत है। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात अकदस का सोना दरबार है। हजरत जुलैबी रज़ियल्लाहु तआला इमामुल अंबिया के प्यारे साहबी हैं,
दरबारे सालत में हाजिर है, गरीब है, नादार है, मुफलिस है, खाने वाले नहीं, पीने वाले नहीं, यानी खाते पीते घर से है ही कोई नहीं, सूरत भी सोनी कोई नहीं, इमामुल अंबिया की खिदमत में हाजिर रहते हैं। मेरे आका ने एक दिन इरशाद फरमा दिया, जलेबी तेरी शादी हुई के नहीं? अर्ज करने लगे मेरे आका, मैं गरीब हूँ, मैं नादार हूँ, मैं मुफलिस हूँ, मेरा निकाह कौन करे? इमामुल अंबिया की जात ने इरशाद फरमा दिया, आज के बाद ऐसी बात ना करना, और जिसका कोई नहीं उसका वारिस मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हूं, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नबियों का सरदार सुल्तानुल अंबिया, वादा फरमाता हूं मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तेरा निकाह फरमाऊंगा। मेरे आका ने इरशाद फरमा दिया, जुलैबी तेरी नजर में कोई रिश्ता है? अर्ज करने लगा मेरे आका, मेरे चचा के यहाँ लड़की मौजूद है, रिश्ता मौजूद है, उसकी रखते जिगर मौजूद है, नूरे नजर मौजूद है, लेकिन वो बड़ी खूबसूरत है, अपने जमाने की बड़ी हसीना है, मेरी अम्मा तीन मरतबा रिश्ते के लिए जा चुकी है, मैं बदसूरत हूँ। मेरा चचा कहता है तू बदसूरत है, मेरी बेटी आला किस्म की खूबसूरत है, जोड़ा नहीं बनता। हुजूर अलैहि सलातु वसलाम के दाते इरशाद फरमा दिया, जा जुलैबीब आज खुद चला जा, उसे जाके कहना और तेरी बेटी का पैगाम है निकाह, इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात अक्दस ने भेजा है। चचा बाहर आया, आके कहने लगा अपनी शक्ल देखी है, तेरे मोटे मोटे होंठ है, नैन नक्श भी मोटे मोटे है, कद भी तेरा छोटा है, सोना नहीं, मेरी बेटी जमाने की बड़ी हसीना है, और दिल में ये बात है, ये इमामुल अंबिया का फरमान है, ये भी सहाबी रसूल है, इनकार कैसे करूं? लेकिन दिल में बात आई, अभी टाल देता हूँ। कहने लगा चल तू चला जा, मैं खुदा के दरबारी सालत में बात करूंगा। ये गुफ्तगू सारी बेटी सुन रही है, वो भी इमामुल अंबिया की गुलामी करने वाली है। कहने लगी अब्बा अभी इस मेहमान को भेजना नहीं, घर आ जा, अंदर आ जा, मेरी बात सुन के जा। कहने लगी अब्बा इस निकाह से इनकार न करना, पैगाम निकाह से इनकार न करना। बेटी क्या हुआ? अरस करने लगी अब्बा मैं ना फरमान कोई नहीं, मेरी पसंदीदगी वाली बात कोई नहीं, बात यह है मेरा निकाह इससे हो जाए। लड़कियां खवातीन अपने अपने घरों में अपनी सहेलियों में बैठ के बात किया करती है, मेरा निकाह सदर ने भेजा था, वजीर आजम ने भेजा था, एमएनए ने भेजा था, एमपीए ने भेजा था, काउंसलर साहब ने भेजा था, फलाने ने भेजा था, लेकिन कल मैं भी फखर से कहूंगी मेरा पैगाम निकाह काली कमली वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस ने फरमाया था। अब्बा इनकार ना करना, इस मेहमान को वापस ना भेजना, और देख तो सही फरमान किसका है, हुक्म किसका है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया है इसको इनकार ना करना, ओ अब्बा इस पैगाम को कबूल कर ले, मुझे गलत ना समझना, फरमान तो देख, आका है मदनी का है, मदीने वाली सरकार का है, सुल्तानुल अंबिया का फरमान है, रहमतुल आलमीन का फरमान है, शाफी माशर का फरमान है, मदीने वाली सरकार का फरमान है। ओ अब्बा इनकार ना करना, इस पैगाम निकाह को कबूल कर ले, ताकि इमामुल अंबिया के फरमान के खिलाफ वर्जी ना हो। आज लड़के लड़कियां दौड़ने वाले, घरों से भागने वाले, मां बाप की इज्जत को खराब करने वाले, आओ इस सहाबिया और नौजवान लड़की की बात सुनो जो इमामुल अंबिया की गुलामी पे एक बदसूरत को भी जिसकी शक्ल भी सोनी कोई नहीं, लेकिन अर्ज करती है अब्बा इनकार ना करना, क्यों? काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस ने इरशाद फरमाया है मुझे कबूल है, आप भी कबूल करो, अगर आका के फरमान के खिलाफ वर्जी की हम तबाह बर्बाद हो गए। मुसलमानों आज हमने भी कभी सोता है, हमने कभी ख्याल ना किया, दिन को भी रात को भी हर वक्त मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के खिलाफ करते हैं, सुन्नतों का जनाजा हमारे घरों से निकलता है, फिर हमारे घरों में सुकून कहां से आएगा, इत्मीनान कहां से आएगा, हम फिर सुकून तलाश करते हैं।
امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرما دیا، علی شیر خدا آپ کا نکاح ہے، خاتون جنت سے عرض کر دیا میرے آقا میں تو غریب ہوں، میں نادار ہوں، میں مخلص ہوں، مسلمان ہوں، کسی ایم ایل اے کی بیٹی کا نکاح نہیں، ایم پی اے کی بیٹی کا نکاح نہیں، صدر کی بیٹی کا نکاح نہیں، شہنشاہ کائنات مسخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، مدینے والی سرکار ہے، نہ کوئی منگنی والی رسم، نہ کوئی اور رسم، نہ مہندی والی رسم، نہ کوئی خرافات، حضور نے فرما دیا علی شیر خدا آ جا، حق مہر کی رقم لے آ، محمد رسول اللہ اپنی شہزادی خاتون جنت کا نکاح آپ سے فرمانا چاہتے ہیں۔ عرض کر دیا میرے آقا میں تو غریب ہوں، میں نادار ہوں، میں مفلس ہوں، اور میں تو میدان جنگ کا سپاہی ہوں، میں تو جہاد فی سبیل اللہ میں رہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرما دیا تیرے بدن پہ زیرہ موجود ہے۔ عرض کر دیا میرے آقا اسے تو میں جہاد میں استعمال کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا جا اسی کو مدینے کے بازار میں بیچ کے امام الانبیاء کی خدمت میں حق مہر کی رقم لے آ، تاکہ آپ کا نکاح محمد الرسول اللہ کالی کملی والے اپنی شہزادی خاتون جنت سے فرما دیں۔ حضرت علی مدینے کے بازار میں گھوم رہے ہیں، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کو صدر کے دروازے پہ دولہا بن کے جائے گا، کوئی وزیر اعظم کے دروازے پہ، کوئی کسی پیر کے دروازے پہ، کوئی کسی جاگیردار کے دروازے پہ۔ واہ عثمان تیرے مقدر پہ دو جہاں قربان کر دوں، امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار رسالت میں عثمان ابن عفان دو مرتبہ دولہا بن کے تشریف لائے ہیں۔ سیدہ ام کلثوم سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دو بیٹیاں، دو شہزادیاں امام الانبیاء کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی، دونوں اللہ کو پیاری ہو گئی، دونوں دنیا سے پردہ کر گئی۔ امام الانبیاء کی نگاہ نبوت نے دیکھا عثمان رو رہی ہیں، آنسو بہا رہی ہیں، حضور نے فرمایا عثمان روتا کیوں ہے؟ عرض کرنے لگے میرے آقا میری آپ سے رشتہ داری تھی، دو شہزادیاں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح تھی، دونوں دنیا سے رخصت ہو گئی، داغ مفارقت دے گئی، دونوں دنیا سے پردہ کر گئی، میری آپ سے رشتہ داری ختم ہو گئی، میں رہوں نہ تو کیا کروں؟ حضور نے فرمایا عثمان لوگوں کی رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں، میں محمد الرسول اللہ کا تعلق رشتہ داری کبھی ختم نہیں ہوتی۔ عثمان تو محمد الرسول اللہ کو اتنا محبوب ہے، اتنا پسندیدہ ہے، اتنا پیارا ہے، اگر اللہ پاک مجھے 100 بیٹیاں دیتا، دوسری روایت میں ہے 40 بیٹیاں کرتا، یا کے بعد دیگرے تمام کے تمام عثمان غنی کے نکاح میں دیے چلا جاتا، یہاں تک کہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی۔ ہمارے ہاں تو سسر اور داماد سسرال سے لڑائیاں ختم نہیں ہوتی، لیکن میرے آقا آقا مدنی مدینے والی سرکار کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ عثمان اگر اللہ مجھے 100 بیٹیاں عطا کرتا، 100 شہزادیاں عطا کرتا، تمام کی تمام عثمان غنی کے نکاح میں دیے چلا جاتا، یہاں تک کی ساری ختم ہو جاتی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے زیرہ خرید لی، زیرہ بھی واپس کر دی اور رقم بھی واپس کر دی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا عثمان یہ کیا ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دیا جاؤ دربار رسالت میں میری عرضی پیش کر دو، امام الانبیاء کی خدمت میں میری بات پیش کر دو۔ عثمان غنی یہ کہتا ہے خاتون جنت کا نکاح ہو، عثمان کا مال ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، عثمان اس پہ بڑا راضی ہے۔ آج بھی اللہ سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے، روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بار بار حاضر ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ مسجد نبوی میں چلے جاؤ، میری ملاقات وہاں میرے کچھ ساتھیوں سے ہوئی جو وہاں کام وام کرتے ہیں، علماء کی شکل میں موجود ہے الحمدللہ۔ وہ کہنے لگے قاری صاحب ایک بڑی عجیب بات حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں،
کہ عثمان نے ایک ایک وقت میں 1100 اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کیے، خیرات کیے، صدقہ کرنے سے، خیرات کرنے سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال ختم نہیں ہوتا. اور اس کی دلیل، ثبوت، حجت یہ ہے کہ آج بھی 1400 گزرنے کے بعد آج بھی مسجد نبوی میں، مدینہ منورہ میں عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا اکاؤنٹ چل رہا ہے. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. معلوم ہوا کہ حرام میں خرچ کرنے سے مال برباد ہو جاتا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال ختم نہیں ہوتا. یہ تو چھوٹی جیب سے بڑی جیب میں چلا جاتا ہے. دنیا میں بھی فائدہ، آخرت میں بھی فائدہ. 10 دنیا 70 آخرت. عثمان غنی جب مدینے میں قحط پڑا تو عثمان غنی کے پاس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آئے، مکے کے بڑے بڑے کاروباری آئے. عثمان، ایک کے مال کے ہم تجھے 12 دیں گے 13 دیں گے 15 دیں گے، جتنا منہ مانگی رقم لے لے. آپ نے فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ ملتے ہیں. وہ کہنے لگے تاجر ہم، کاروباری ہم، مالدار ہم، بیپاری ہم ہیں، بتلا کس سے سودا کیا ہے؟ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے قرآن کی تلاوت فرما دی. فرمایا کہ میں نے گواہ ہو جاؤ، میں نے سارے کا سارا مال اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیا. اس رب کا فرمان یہ ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، 10 دنیا میں 70 آخرت میں جو رب عطا کرتا ہے، گواہ ہو جاؤ میں نے تمام کے تمام مال، بما غلہ، بما سواری کے، اونٹوں کے، تمام کے تمام مدینے کے پورا فقرا صدقہ کر دیا. آج عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء کی خدمت میں اپنا مال لے کے حاضر ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، میرے آقا، علی کا نکاح ہو، خاتون جنت کا نکاح ہو، عثمان کا مال ہو، خرچ ہو جائے، عثمان اس پہ بڑا راضی ہے، تاکہ پروردگار عالم عثمان غنی سے راضی ہو جائیں. مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، صدیق آ جا، خاتون جنت کا نکاح ہے، میری لخت جگر محمد الرسول اللہ کے دربار سے رخصت ہو کے حضرت یعنی شیر خدا کے گھر میں جانا چاہتی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ دے کے رخصت کر دیا جائے. میرے آقا نے گدیلے منگوائے، میرے آقا نے چکی منگوائی، مسواک منگوائی، میرے آقا نے مسواک منگوائی، مصلی منگوایا، چیزا منگوایا، بازو بند منگوایا، چند چیزیں لے کے میرے آقا نے ارشاد فرما دیا، لخت جگر تیرے ابا کے پاس، امام الانبیاء کے پاس اس سے زیادہ اور کوئی شے موجود کوئی نہیں. امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے بیٹیوں کا ادب و احترام سکھا دیا. صحابہ فرماتے ہیں، جب بھی خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء کے دربار میں حاضر ہوتی، امام الانبیاء اپنی شہزادی کا لخت جگر کا کھڑے ہو کے استقبال فرمایا کرتے تھے، قیام فرماتے تھے. صحابہ سے فرماتے تھے، لوگو تم نہیں جانتے، خاتون جنت محمد الرسول اللہ کو بڑی محبوب ہے، بڑی پسندیدہ ہے، میں اپنی شہزادی سے بڑی محبت کرتا ہوں، ادب و احترام کرتا ہوں. معلوم ہوا بیٹیوں کا ادب کرنا، دیوں کا ادب کرنا، لخت جگر کا ادب کرنا، اپنی بیٹیوں کا ادب کرنا، ہمسایوں کی بیٹیوں کا ادب کرنا، ملک کی بیٹیوں کا ادب کرنا، ساری دنیا کی بیٹیوں کا ادب کرنا، امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. دربار رسالت مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں جنگی قیدی کافرہ شہزادی ننگے سر آئی بیٹھی ہے بھی جوان، ہے بھی حسین، ہے بھی خوبصورت، جنگی قیدی ہے، قید ہو کے آئی ہے، ننگے سر بیٹھی ہے. میرے آقا کی نگاہ نبوت پڑی، حضور نے فرمایا بلال رضی اللہ تعالی عنہ آ جا، اس کافرہ بیٹی کے سر پہ محمد الرسول اللہ کی رحمت والی چادر ڈال دے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی
होंगे। अर्ज कर दिया मेरे आका, ये हमारी मेहमान कोई नहीं, ये काफिर की बेटी है, काफिर पलीद है, नजस है, ना पाक है, आपकी रहमत वाली चादर पाक है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात अक़दस ने ता फरमा दिया, और बिलाल और सिद्दीक अकबर और सहाबा की जमात, बेटी तो बेटी होती है, दी तो दी होती है, चेजाए के काफिर की बेटी भी क्यों ना हो। फिर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दरबार में काफिर की बेटी नंगे सर बैठे, अपने बाप काफिर के दरबार में भी नंगे सर बैठे, फिर नबियों के सरदार के दरबार में काफिर के दरबार में फर्क क्या रहेगा। बिलाल जल्दी कर, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का अखलाक बर्दाश्त नहीं कर सकता, काफिर की बेटी इमामुल अंबिया के दरबार में नंगे सर बैठे। हमारे यहाँ बड़े राजी होते हैं बेटियों को शादियों में नचा के, ये भी तो किसी की बेटियां हैं ना, सोचो तो सही। आज तुम किसी की बेटी को नचा रहे, हो सकता है कल तुम्हारी बेटी को कोई नचाए, ख्याल तो करो। आज तुम गुनाह कर रहे हो, आज तुम जिना करने के लिए गए हो। हमारे उस्ताद मोहतरम एक बड़ी अजीब बात फरमाते थे कि जिना के करीब ना जाना, जब किसी कंजरी कंजर के यहाँ, कंजरी के यहाँ, किसी कोठे खाने पे, किसी भी जगह तुम जिना करके आओ, हो सकता है उस नुतफे से अल्लाह बेटी अता फरमा दे, तो फिर वो बेटी भी जिना करती रहेगी, तुम्हारी बेटी भी तो जिना करेगी ना। फिर तुमने क्या समझा है कि हम जिना करके आ जाते हैं बिगड़ता कुछ नहीं? सोचो तो सही कि जिना करने से अगर उस नुतफे से बेटी पैदा हो गई तो वो भी तो उस कोठी खाने पे हमेशा जिना करती रहेगी, तुम्हारी बेटी जिना में चलती रहेगी, वो जिना करती रहेगी। तुमने क्या सोचा हमने गुनाह किया था खत्म हो गया, हमने किसी की बेटी को नचाया था बात खत्म हो गई, आज हमने किसी की बेटी को अपनी शादी पे नचाया, चंद रुपए दे के नचाया, हो सकता है कल वो वक्त आए कि कल तुम्हारी बेटी को भी नचाना पड़े। लेकिन इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सोना दरबार है, इमामुल अंबिया का सोना अखलाक देखो, फरमाया कि व इन्नका लाला खुलुकिन अज़ीम। उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से सहाबा की जमात सवाल कर रही है, मैं हमारी अम्मा और पूरी कायनात की अम्मा, इमामुल अंबिया का सोना अखलाक बयान फरमा दीजिए। आपने फरमाया काना खुल्कुल कुरान, क्या तुमने अल्लाह का कुरान नहीं पढ़ा? और मदीने वाली सरकार का सोने नबी की इमामुल अंबिया का अखलाक असना तमाम का तमाम अल्लाह का कुरान बयान करता है। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सोना अखलाक ये है, काफिर की बेटी है, जंगी कैदी है, काफरा है, कैद कैदी होके आई है, मेरे आका ने इरशाद फरमा दिया, बिलाल जल्दी कर, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की निगाहे नबुवत ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि काफिर की बेटी में इमामुल अंबिया के दरबार में नंगे सर बैठे। आज हम चार दिन की जवानी, चार दिन के हुसन, चार दिन के पैसे पे अकड़ते हैं, इकराते हैं, तो सोचो तो सही, जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, जिंदगी में हम करने के लिए क्या आए हैं? इसलिए अल्लाह वाला कहता है बाज आ जा रहा है रात पे, आज हम ले जिंदगी अपना ले, कहता है कि सोने चांदी की चमक बस देखने की बात है, और दुनिया की चमक बस देखने की बात है, और चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, और तुमने क्या ख्याल किया है हमेशा दुनिया में रहना है, और सोने की चमक में, दुनिया की चमक में, चांदी की चमक में, ओहदे की चमक में, आज अल्लाह ने थोड़ा सा माल अता कर दिया, आज कुरान की खिलाफ वर्जी ना करो, कुरान की खिलाफ वर्जी ना करो, नमाज की खिलाफ वर्जी ना करो, अजान की बेद भी ना करो, कुरान की बेद भी ना करो, मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान के खिलाफ ना करो, वरना अल्लाह वाला कहता है कि दो दिन की जिंदगी पे न इतना उछल के चल, दो दिन की जिंदगी
जिंदगी पे न एक ना उछल के चल, ये रास्ता ही चल चलो का है, जरा संभल के चल। आ कहता है जवानी मेरी, आ कहता है हुसन मेरा, आ कहता है पैसा मेरा, आ कहता है जदाद मेरी, आ कहता है मेरी मेरी शादी है, मैं जो जी चाहे करूं। अल्लाह वाला कहता है बाज आजा, जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, ख्याल तो कर। और तुझसे पहले बड़े बड़े दुनिया में आए, जब जाने लगे किसी को खबर भी ना हुई। सुल्तानुल अंबिया इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रहमत वाली चादर काफरा बेटी के सर पे आई, अल्लाह ने दिल से कुफर को निकाल दिया। मेरे आका सोना नबी सोने अखलाक से गुफ्तगू फरमा रहे हैं, व इन्नका लाला खुलुकिन अज़ीम। मेरे आका इरशाद फरमा रहे हैं बेटी क्या चाहती है, काफरा बेटी से पूछ रहे हैं, हमने तो कभी अपनी बेटियों से ना पूछा, इतनी नरमी से अपनी घरवाली से गुफ्तगू ना की। कंजरी की खुशामदे करते हैं, बेगम के सामने मर्द बन जाते हैं, घर में आते ही जूती उठा लेते हैं। और मेरे आका हमारी अम्मा फरमाती है सैयदा आयशा सैयदों में हबीबा अज़वाज मुतहरात फरमाती है, इमामुल अंबिया जब भी अपने घर में घर मुबारक में तशरीफ लाते, किसी भी अज़वाज मुतहरात के यहाँ तशरीफ लाते, अपने घर में आके अज़वाज मुतहरात के साथ हमारी माओ के साथ काम काज शुरू फरमा देते। हमारे यहाँ तो कोई काम करे लोग कहते मुरीद है, तो कंजरी मुरीद भी तो कभी कहा करो ना, है खुसरों का मुरीद, कंजरों का मुरीद और खुसरों का मुरीद, उनका मुरीद तो कभी नहीं कहते बेगम के साथ काम कराए। और नहीं, ये सुन्नत तरीका है, और आओ बीवी का भी हक है, उसका भी हक अदा करो, मुकम्मल हक अदा करो। जितना वक्त जितनी रात अपने घर में, जितना ज्यादा वक्त बीवी के साथ अम्मा के साथ बहन भाइयों के साथ गुजारोगे, अल्लाह पाक उस पर नेकियां ही नेकियां अता फरमाएंगे। अम्मा का दीदार करना हज मकबूल है, अम्मा जन्नत का दरवाजा, अम्मा के कदमों में जन्नत है, अब्बा जन्नत का दरवाजा है। और जो जैन आपस में देखे अल्लाह पाक सदके का सवाब अता फरमाते रहते हैं, अल्लाह की रहमतें बरसती रहती हैं, बरकतें आती हैं घर में, खुशियां आती हैं घर में। अमल के दौरान अल्लाह पाक उसमें भी नेकियां अता फरमाते हैं, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, एक एक कतरे के बदले अल्लाह पाक नेकियां अता फरमाते हैं, बच्चों को पालती है, माँ बाप पालता है, अल्लाह पाक उसमें भी अजर अता फरमाते हैं। ये सारी की सारी जिंदगी नेकी में लिखी जाती है, जाय नहीं होती। इमामुल अंबिया की जाते अक्दस इरशाद फरमा दिया बेटी क्या चाहती है, अर्ज करने लगी मेरे आका अगर मुझसे पूछेगू फैसला करना चाहते हो, मैं चाहती हूँ मुझे बाहिफाजत मेरे घर पहुंचा दो। हुजूर अली सलातु वसलाम की जाते अक्दस ने दो सहाबी को भेज दिया, जाओ इसे बाहिफाजत छोड़ के आओ। घर पहुंची, सामने काफिर भाई खड़ा है, कहने लगा खबरदार वापस चली जा, यहाँ तेरे लिए जगह कोई नहीं। भाई कहने लगा वापस चली जा, बहन कहने लगी खबरदार इस्लाम के बारे में बात न करना, मुसलमानों के बारे में बात न करना, मैं इमामुल अंबिया के दरबार से आई हूँ, मैंने माजा अलबसर की आंखें देखी है, बस जुहा का चेहरा देखा है, अहल की जुलम मुबारक देखी है, अलम नशरा का सीना मुबारक देखा है, मैंने शफत अहम के लब मुबारक देखे हैं, ताहा यासीन के दंदान मुबारक देख के आई हूँ। खबरदार इस्लाम के बारे में बात ना करना, सहाबा के बारे में बात ना करना, अहले बैत के बारे में बात ना करना। और भाई बात यह है, रात का वक्त था, अंधेरा भी था, तन्हाई भी थी, मौका भी था, बेअबान जंगल भी था, रात का वक्त था, ये दो हुजूर के गुलाम मेरे साथ चल रहे थे, मैं आंख के किनारे से इनकी तरफ देखती थी, मालिक कायनात की कसम है इन दोनों मुसलमानों ने, हुजूर के गुलामों ने आंख के किनारों से भी मेरी तरफ नहीं देखा। भाई कहने लगा मुसलमानों की बड़ी तारीफ कर रही है, एक ही रात में मुसलमान होके आ गई, इस्लाम कबूल किया कि नहीं, बड़ी इस्लाम की बातें कर रही है। कहने लगी मैंने दिल से तो इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन ये ख्याल लेके आई हूँ, ये बात लेके आई हूँ, अकेली जन्नत में नहीं जाऊंगी, अपने भाई को भी साथ लेके जाऊंगी।
और भाई मैं तुझे लेने के लिए आई हूँ, आ सोने नबी का सोना दरबार देख तो सही। अपने भाई को लेके इमामुल अंबिया की खिदमत में हाजिर हुई है, सामने खड़ी होकर अर्ज करती है, मेरे आका अगर मेरे बस में हो चांद ला के आपके कदमों पे कुर्बान कर दूं, सूरज कुर्बान कर दूं, अपना कबीला कुर्बान कर दूं। सामने खड़ी होकर सनाखानी कर रही है, अर्ज करती है, मेरे आका तेरे चेहरे पे फिदा शम्सु कमर, तेरे चेहरे पे फिदा शम्सु कमर, तेरी जुल्फों पे तसद्दुक शाम सहर, रुखसार पे ठहरे किसकी नजर, तेरी प्यारी